हर साल महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस बार ये 13 अक्टूबर को देश भर में मनाया जाएगा। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी इस त्योहार को विधि विधान से मनाती हैं। सोशल मीडिया इनकी करवा चौथ लुक से भरा रहता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जो इस व्रत को नहीं रखती। साथ ही वो करवा चौथ पर विवादित बयान भी दे चुकी हैं। उनके बयानों पर काफी हंगामा भी हुआ था। चलिए इस पैकेज में आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टर अक्षय कुमार की बीवी व एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की। ट्विंकल ये फेस्टिवल नहीं मनाती। उनका मानना है कि पत्नी के भूखे रहने से पति की आयु नहीं बढ़ती। कुछ साल पहले ट्विंकल ने अपने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट शेयर की थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि आजकल जहां लोग 40 की उम्र में दूसरी शादी कर लेते हैं, तो पहले पति के लिए फास्ट रखने से क्या फायदा, जब उनके साथ जिंदगी भर रहना ही नहीं। इसके बाद ट्विंकल खन्ना को लेकर काफी विवाद हुआ था। बाद में ट्विंकल खन्ना ने भी आंकड़े रखे और कहा था कि 100 देश ऐसे हैं जहां पुरुष बिना व्रत रखे भी भारतीय पुरुषों से अधिक जीते हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर खान तो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। करीना भी ये व्रत नहीं रखती। करीना का कहना है कि उन्हें अपने पति के प्रति प्यार साबित करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। करीना कहती हैं कि वह भूखे नहीं रह सकती। वह करवा चौथ के दिन व्रत रखने की बजाय एक दिन को खाने पीने और खुद को काम में बिजी रखते हुए बिताना ज्यादा पसंद करती हैं। एक बार मीडिया से बातचीत में करीना ने कहा था, जब बाकी औरतें भूखी रहेंगी, मैं खूब खा रही होंगी। मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। इस बयान पर बेबो को काफी ट्रोल किया गया था। आखिर में बात करते हैं रत्ना पाठक की। वो भी करवा चौथ पर विवादित बयान देकर आलोचनाएं झेल चुकी हैं। कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा समाज बहुत ही रूढ़िवादी होता जा रहा है। मैं शिद्दत से ये चीज महसूस कर रही हूँ। हम अंधविश्वासी भी होते जा रहे हैं। हम लोगों को ये मानने पर मजबूर किया जा रहा है कि धर्म जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं कर रही हैं आप। पिछले साल पहली बार किसी ने मुझसे पूछा। मैंने सोचा पागल हूँ क्या। अजीब नहीं है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस बयान के बाद रत्ना को लोगों ने काफी भला बुरा कहा था। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।